अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आयज़ा और साद के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं और उन दोनों के दरमियान झगड़ा भी काफ़ी हद तक हो चुका है और साद ने आयज़ा को घर से निकाल दिया है और वो अपने बाप के घर वापस चली जाती है और अपने पापा से जाकर कहती है कि पापा, मैंने कहा था ना कि आप साद से मेरी शादी ना करें, देख लिया नतीजा, आखिर उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही डाली, उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया अपने बाप के कहने पर, बाप और बेटा दोनों ही घटिया किस्म के निकले हैं। ये बात सुनकर लाइक मियाँ भी बहुत परेशान हो जाते हैं और वो फिज़ा को बताते हैं कि साद ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है, उसने आयज़ा को अपने घर से निकाल दिया है, जिस पर आयज़ा को भी बहुत दुख होता है और कहते हैं कि ये साद ने बहुत ही बुरा किया, उसने अच्छा नहीं किया आयज़ा के साथ। और जब ये बात दानिश को पता चलती है वो भी बहुत परेशान होता है और दिल में कहता है कि काश आयज़ा ने ऐसा ना किया होता और आज उसके साथ ऐसा ना होता, अगर उसकी शादी मुझसे हो जाती तो वो कितनी खुश रहती। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना।